गायत्री रसोई में आपका स्वागत है। आज हम व्रत स्पेशल आलू के पराठा बनाने वाले हैं। और व्रत स्पेशल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि व्रत में खाए जाने वाला चीज़ों को ही डाल के हम आज आलू का पराठा बनाएंगे। और उसके लिए देखते हैं किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, किस चीज़ से इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, चार उबला हुआ आलू ले ली हूँ। इसको आलू को उबाल के थोड़ा सा ठंडा कर लिए हैं। चार उबला हुआ आलू है और ये समा का चावल का आटा है। ये समा का चावल इसको बोला जाता है। ये देखिए इस तरीके से पैकेट में आता है इसको। और ये देखिए इस तरीके से इसका चावल रहता है। तो इसको भी पीस के आटा बनाया जा सकता है, नहीं तो फिर बाज़ार में इस तरीके से आटा भी मिल जाता है। तो मैं इस चावल को ही पीस के आटा बना ली हूँ, तो आधा कप ली हूँ। और चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस तरीके से देखिए, मैं एक कढ़ाई ले ली हूँ और कढ़ाई में मैं थोड़ा से करीब एक चम्मच घी डाल रही हूँ। आप घी नहीं खाना पसंद करते हैं तो इसके जगह पे रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। और घी को मेल्ट होने देते हैं। घी हमारा मेल्ट हो गया है तो इसमें थोड़ा से जीरा को डाल दे रहे हैं। जीरा को थोड़ा से पका लेते हैं। हरा मिर्ची भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ। और ये जीरा हमारा थोड़ा से पक गया है। तो इसमें समा के चावल हम आधा कप लिए हैं, तो हमको आधा कप से थोड़ा से ज़्यादा इसमें पानी डालना है। पानी को थोड़ा से गर्म होने देते हैं। पानी गर्म हो गया है तो इसमें सेंधा नमक डाल रही हूँ। व्रत में सेंधा नमक खाया जाता है। थोड़ा थोड़ा करके ये समा के चावल का आटा है, इसको ऐसे करके डालते जाना है और मिलाते जाना है। गैस के फ्लेम को अभी धीमा रख देना है। इसको इसी तरीके से धीमा आंच में थोड़ा देर पका लेते हैं। ये देखिए, हम पानी का सही माप डाले थे तो बहुत बढ़िया आटा हमारा बन के तैयार हो गया है। अब गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। जब तक हमारा आटा ठंडा हो रहा है तब तक से ये आलू है, आलू को इस तरीके से घिसनी रहता है। इसमें ऐसे करके घिस देते हैं। आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो मैश भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे घिसनी में घिस देने से बढ़िया बराबर मात्रा में आलू इस तरीके से मेल्ट होता है। तो मैं पूरा आलू को इसी तरीके से घिस ले रही हूँ। ये हमारा आटा देखिए थोड़ा ठंडा हो गया है, तो इसको ऐसे ऐसे करके मसल लेना है। ये देखिए, पहले इसी तरीके से मैं इसको बढ़िया से मसल ली हूँ। सॉफ्ट बढ़िया डो की तरह बन गया है। अब इसमें आलू का पराठा बना रहे हैं तो इसमें ये आलू घिस के रखे थे, इसको भी इसमें डाल देना है। ये देखिए, और इसमें मैं थोड़े से धनिया पत्ती भी डाल दे रही हूँ। और थोड़ा से यदि आप पसंद करते हैं तो थोड़ा सा इसमें चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं यदि व्रत में खाते हैं तो, वरना ना डालें। उसके बाद फिर ये देखिए, आलू को भी मिला के बढ़िया से इसका एक सॉफ्ट डो बना के तैयार कर ले रहे हैं। ये देखिए, अच्छी तरीके से इसमें आलू को मिलाना है। देखिए, बढ़िया से डो बना के तैयार कर लिए हैं। अब इसका पराठा बनाएंगे। तो पराठा बनाने के लिए थोड़ा चिपचिपा है तो थोड़े से सावधानी से इसको बेलना रहता है ऐसे करके। ये देखिए, बड़ा सा एक मैं डो बना ली हूँ, अब इसको बेल लेते हैं। इसमें बेलने के लिए थोड़ा से इसमें सिंघाड़ा का आटा या फिर समा चावल का आटा थोड़ा से लगा सकते हैं, क्योंकि इसको थोड़ा से चिपचिपा है आलू हमारा, तो बेलने में थोड़े से इसमें कठिनाई आएगी, तो इसीलिए इसको मोटा और सावधानी से बेलना है। ऐसे करके दोनों तरफ थोड़ा से आटा और सावधानी से ऐसे करके इसको बेलते हैं। तो मैं बेल लेती हूँ। आलू डाले हैं तो थोड़ा से हमारा डो गीला हो गया है, तो इसको बहुत ही सावधानी से बेलना है। और ये इसमें चावल का है इसीलिए थोड़ा किनारे किनारे इसका फट रहा है, तो उसको कुछ चीज़ से काट सकते हैं, वरना ऐसी भी बना सकते हैं। तो मैं पहले सावधानी से इसको बेल लेती हूँ। ये देखिए, इसको बेल ली हूँ। इसके बाद क्या है, इसका जो किनारी किनारी थोड़ा से फट गया है, तो ये तो थोड़ा सा ही फटा है, इतना चल जाएगा। और आप एकदम परफेक्ट गोल बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से टिपिन रहता है उसमें ऐसे करके काट दीजिए, और इसका जो किनारी का रहता है ऐसे करके निकाल देना है। तो ये बढ़िया परफेक्ट गोल इसका पराठा बन जाएगा। ये देखिए, आप इसके जगह पे थोड़ा से बड़ा सा भी टिपिन ले सकते हैं। देखिए, पराठा को पकाने के लिए इस तरीके से मैं तवा को गर्म कर ली हूँ, और तवा हमारा थोड़ा से गर्म हो गया है, तो इसी में इसको पराठा को डाल देना है।
ऐसे करके जैसे नॉर्मल पराठा बनाते हैं उसी तरीके से इसको सेक लेंगे। जब तक हमारा पराठा पक रहा है तब तक से हम दूसरा पराठा बना के तैयार करते हैं। थोड़ा देर पक गया है, इसके बाद इसको ऐसे करके पलट लेते हैं। इसको थोड़ा से धीमा आंच में पकाना है, सॉफ्ट पराठा बन के तैयार होता है। इसके बाद इसमें ऐसे करके ऊपर में घी डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा ऐसे करके। अब व्रत में घी के जगह में रिफाइन ऑयल खाते हैं तो रिफाइन ऑयल डाल सकते हैं, बाकी पराठा वगैरह घी में ही बढ़िया लगता है, टेस्टी लगता है। ये देखिए इसको मीडियम फ्लेम में मैं इसी तरीके से बना ले रही हूँ। एकदम ही सॉफ्ट पराठा बन के तैयार हो रहा है और थोड़ा थोड़ा ये फूल भी रहा है। व्रत वाला आलू के पराठा बन के तैयार हो गया है। इसी तरीके से मैं बाकी पराठा को बना के तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए हमारा व्रत वाला आलू के पराठा बन के तैयार हो गया है और ये कितना एकदम सॉफ्ट बना है, क्योंकि हम इसके जो समा के चावल था उसको पका लिए हैं। एकदम बढ़िया सॉफ्ट है, इसको तो बिना व्रत के भी खाने का आदमी को मन कर जाएगा। ये देखिए कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है और इसको इस तरीके से दही के साथ ऐसे करके खा इंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं। ये दही मैं सिर्फ उसमें सेंधा नमक और जीरा का पाउडर डाल दी हूँ, व्रत में इसी चीज़ को खाया जाता है। और इसको आप और बढ़िया रायता की तरह बनाना चाहते हैं तो थोड़ा से काट के खीरा भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप व्रत में बिल्कुल कम तेल में, कम तेल घी में इस तरीके से नाश्ता व्रत में बना के खा सकते हैं। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।